सेवक जन फाउंडेशन के तत्वावधान में एक सप्ताह के लिए विधायक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर किया जा रहा है, जिसमें रविवार को शहर के पत्रकार भाइयों एवं उनके परिवार जनों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 25 सितंबर शुक्रवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 कार्यालय में विधायक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विशेष रूप से प्रेस परिवार के लिए रखा गया था, जिसमें प्रेस परिवार के लिए दंत परीक्षण शिविर, रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड रिसर्च सेंटर भिलाई, जन सेवक फाउंडेशन, सेवक डायग्नोसिस के द्वारा रक्त जांच, बीपी जांच, एचबी रक्त ग्रुप एवं नेत्र परीक्षण शिविर साई बाबा अस्पताल पावर हाउस भिलाई के द्वारा किया गया। इस शिविर में रुंगटा सेंटर कॉलेज की तरफ से माउथवॉश और टूथपेस्ट निःशुल्क प्रदान किए गए। साई बाबा अस्पताल के द्वारा चश्मे का फ्रेम एवं विकास जायसवाल जी के द्वारा शिविर में आए सभी को फोटो फ्रेम करके उपहार स्वरूप दिया गया। इस निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के आयोजक रहे विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्था को हर घर, हर वार्ड, हर मोहल्ले तक पहुंचाना है, ताकि लोगों में जागरूकता आए कि उन्हें पहले से पता रहे कि कौन से अस्पताल में किस विभाग के अनुभवी डॉक्टर मौजूद मिलेंगे। विधायक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर विकास जायसवाल, संस्थापक सेवक जन फाउंडेशन एवं डॉक्टर हरजिंदर सिंह समाज सेवक के साथ मिलकर लगाया जा रहा है। डॉक्टर हरजिंदर सिंह ने बताया कि हमारे साथ सभी विभाग के अनुभवी डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, हमें सिर्फ ये जानकारी चाहिए कि आपके एरिया में किस विभाग के डॉक्टर की ज़रूरत है, हम उस एरिया में उसी विभाग के अनुभवी डॉक्टर की टीम के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके और हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में सफलता मिल सके। ये विधायक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हमने शुरू किया है, इसमें हमने हर जगह जाने का सोचा है कि जिसमें हमको ने ये सोचा है कि हर स्कूल, हर वार्ड, हर गली, हर मोहल्ले में जहाँ पर भी लोगों को ज़रूरत है, जिस डॉक्टर, जिस विभाग के, मतलब ऐसे अगर उनको दांत के डॉक्टर की ज़रूरत है तो हम दांत के डॉक्टर वहाँ पर लेके जाएंगे। तो यही जो शुरू किया हमने, तो इसके लिए आज हमने प्रेस परिवार के लिए भी हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था, जिसके तहत हमने दांत का परीक्षण रुंगटा डेंटल कॉलेज की तरफ से हुआ है, आई का हुआ है, साई बाबा कॉलेज और सेवक जन फाउंडेशन की तरफ से ये आयोजन किया गया है। नहीं, यहाँ पर जांच होगा, अगर आगे का जो भी ट्रीटमेंट है वो आप अपने हमारे यहाँ पर जैसे रहेगा, साई बाबा की तरफ से एक हफ्ते की ओपीडी फ्री रहती है, रुंगटा कॉलेज की तरफ से जो भी जाएंगे यहाँ पर शिविर का कार्ड बन जाएगा, उसके तहत जो भी नॉमिनल चार्जेस में वहाँ उपचार भी होगा। हम लोग का शिविर रुंगटा डेंटल कॉलेज की तरफ से हम लोग दांत के इलाज के लिए यहाँ पे आए हैं और माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी के कार्यालय में आज का कैंप हो रहा है और इसको हम विधायक स्वास्थ्य शिविर के बैनर के अंडर कर रहे हैं। निरंतर हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में भिलाई के सैटरडे संडे हम लोग कोशिश करते हैं कि आम जनता तक निःशुल्क इलाज की सुविधा पहुँचाएँ, क्योंकि दांत के इलाज के लिए वैसे भी हमको जागरूकता लोगों में बढ़ानी है, क्योंकि क्या होता है महंगे इलाज की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो दांत का इलाज नहीं करा पाते हैं। तो हमारी ये ऑटोमेटिक मोबाइल डेंटल वैन है पीछे, इसमें 2 डेंटल चेयर्स लगी हुई हैं, जिसमें कि हम निशुल्क ऑन द साइट ही दांत का इलाज यहाँ पे लोगों को प्रदान करते हैं। पहली मरतबा कर रहे हैं? निरंतर हम पिछले कम से कम 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगभग 2008 से ही हमारे पास ऐसी गाड़ियाँ उपलब्ध है जो कि एरिया में ही जाके लोगों को दांत का इलाज देती है। नमस्कार, मैं साई बाबा आई हॉस्पिटल तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए, हमारे साई बाबा हॉस्पिटल में आपको नेत्र से संबंधित कोई भी अगर परेशानी होती है तो हम निशुल्क अभी एक हफ्ते का कैंप लगाए हैं माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के यहाँ पर, और इसमें हम लोग ओपीडी फ्री रख रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि कोई प्रोसीजर होता है या आईपीडी हो रहा है तो उसमें भी हम लोग कुछ डिस्काउंट कर रहे हैं। अगर पेशेंट अगर इसी 3 दिनों के अंदर अगर अपने शिविर के दौरान अगर अपनी बुकिंग करवाता है तो हमारे यहाँ सभी प्रकार की सर्जरी भी की जाती है, प्रोसीजर भी होती है। आई का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो एक मान्यता प्राप्त है, साथ में NABH जैसे सर्टिफिकेशन भी है हमारे हॉस्पिटल में। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लोग कम से कम हर महीने कम से 5 ऐसे शिविर करते हैं जिसमें हम लोग कोई प्रमोशन का काम नहीं करते, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पेशेंट को देखते भी, और आप कहीं नहीं सुने होंगे कि हम लोग इन 7 दिनों के अंदर का वो भी देते हैं ओपीडी फ्री, जो कि हमारे हॉस्पिटल में आकर के जो 350-500 रुपये जो फीस लगती है डॉक्टर की, वो डॉक्टर की फीस भी हम लोग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ शिविर के दौरान हम लोग फ्री में, निःशुल्क में हम लोग फ्रेम्स भी बांट रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि हम लोग फ्रेम्स भी वितरण कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग मात्र 50 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ्री के हिसाब से 0 ओपीडी में हम लोग सीनियर सिटीजन को ट्रीट भी करते हैं, जिनसे हम लोग 1 रुपये भी नहीं लेते। बहुत सर, अगर देखा जाए तो अभी इन 3 महीनों में हम लोग ने जितने भी कैंप किया है तो पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है हम लोग को। साई बाबा आई हॉस्पिटल खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, आज हम लोग का एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल खुल रहा है 2 तारीख को, मैं चाहूँगा कि सभी लोग वहाँ पर आएँ, आप लोग आप सम्मिलित हो वहाँ पर। आगे आने वाले समय में ऐसे ही स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन सभी वार्ड, सभी स्कूल,
सभी फैक्ट्री एवं सभी समुदाय के लोगों के लिए आयोजित किया जाता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।